हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड के लिए न्यू पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें हम बिना किसी आईडी के कोई भी लोग अपना घर बैठे आयुष्मान कार्ड बना सकता है। इस पोर्टल के द्वारा मैंने पहले आपको नया आयुष्मान कार्ड बनाना बताया है और आयुष्मान कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, अगर आपका पुराना आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आप अपने आयुष्मान कार्ड में कोई भी कलेक्शन या अपडेट कैसे कर सकते हैं। अब कार्ड को अपडेट कराने की जरूरत हमको उस टाइम पड़ती है अगर आयुष्मान कार्ड बनने के बाद आपने अपने आधार कार्ड में कोई भी कलेक्शन अपडेट कराया है, चाहे फोटो अपडेट कराया हो, नाम, मोबाइल नंबर या अपने फादर का नेम, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आयुष्मान कार्ड को भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपने आयुष्मान कार्ड को अपडेट नहीं करते हैं और हॉस्पिटल में आप इलाज के लिए जाते हैं तो आपका आधार कार्ड में नाम अलग होगा और आयुष्मान कार्ड में अलग होगा, तो हो सकता है वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो सके, तो हो सकता है इससे आपको हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके। तो इससे पहले आप अपने कार्ड को बिल्कुल फ्री में आसानी से अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस पोर्टल पर आ जाना है जो बिल्कुल न्यू पोर्टल है। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पोर्टल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। पहले आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमको सीएचएस सेंटर या सरकारी हॉस्पिटल जाना होता था, लेकिन अब हम मोबाइल से अपना आयुष्मान कार्ड आसानी से बना सकते हैं। अब कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पर बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन है, इसको आपको टिक रहने देना है और आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको किसी भी आईडी को बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और ये कैप्चा कोड दिखाया गया है, इसको भी यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर स्कीम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम सर्च करेंगे। नाम को सर्च करने के यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर फैमिली आईडी से भी आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रधानमंत्री वाला लेटर आपके घर पर आया हो तो उसमें फैमिली आईडी लिखी हुई होती है, उससे भी यहाँ पर आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो डायरेक्ट आधार नंबर डालकर भी आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको ये चेक करना है कि हमारा नाम आयुष्मान भारत लिस्ट में है या नहीं, तो यहाँ पर नेम वाला ऑप्शन है, इसके द्वारा आप अपने नाम को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कार्ड पहले से बना हुआ है तो आधार नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर सर्च वाला आइकन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, जिनका भी नाम आयुष्मान भारत लिस्ट में पहले से ऐड है, और यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी भी आ जाएगी और किन किन लोगों का आयुष्मान कार्ड पहले से बना हुआ है उन सभी की जानकारी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से नया आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं या उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन दोनों टॉपिक पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उन वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि यहां पर हमें अपने आयुष्मान कार्ड में करेक्शन कैसे करना है। जैसे यहां पर आप लिस्ट में देख सकते हैं, यहां पर चार लोगों का आयुष्मान कार्ड पहले से बना हुआ है, तो इनमें से किसी के भी आयुष्मान कार्ड में आप आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर डाउनलोड वाला आइकन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, इस पर सिंपली से आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, अलो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर अपडेट होगा उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पर आप डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, पहला ऑप्शन है रीडो केवाईसी, दूसरा है यहाँ पर डाउनलोड वाला और तीसरा यहाँ पर एड फैमिली मेंबर। आपको इसमें फैमिली मेंबर कैसे ऐड करना है इसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं रीडो केवाईसी, यानी अपने आयुष्मान कार्ड को कैसे अपडेट करना है। तो उसके लिए सिंपली से यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से फैमिली मेंबर की डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जिसमें भी यहाँ पर आप करेक्शन करना चाहते हैं उस पर यहाँ पर आप टिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर अपने नाम पे टिक किया हुआ। उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के आपके सामने तीन ऑप्शन है, यहाँ पर आप ओटीपी से भी कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट लगा के भी कर सकते हैं और यहाँ पर आई को स्कैन करके भी कर सकते हैं। हम ओटीपी वाला ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ पर अलो पे क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो भी नंबर अपडेट होगा उस पर ओटीपी दोबारा से पहुंच जाएगा। ओटीपी यहाँ पर हम डालेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने इस तरीके से डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सोर्स डिटेल्स वाला ऑप्शन है और दूसरा है केवाईसी वाला। केवाईसी का मतलब है जो भी करंट टाइम में आपके आधार कार्ड में डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी, और सोर्स का यहाँ पर मतलब है जो भी आयुष्मान भारत लिस्ट में आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी।
इसमें आपको करप्शन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल्स है वो यहाँ पर आपकी KYC अपडेट हो जाएगी और आपके आयुष्मान कार्ड में सेम वही डिटेल्स आ जाएगी। उसके लिए यहाँ पर सिंपल से आप क्या करेंगे, एक फोटो आपको क्लिक करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, कैमरा आपके मोबाइल पर ओपन हो जाएगा। फोटो क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका फोटो यहाँ पर क्लिक हो चुका है। फोटो क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी आप आयुष्मान कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP डालकर उसे आप वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन सिलेक्ट करना है कि फैमिली हेड से आपका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर आपको जो भी रिलेशन हो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अर्बन क्षेत्र के रहने वाले हो या रूरल के, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जो शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं वो अर्बन पे क्लिक करेंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं वो रूरल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने टाउन को या ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप अपना वार्ड या विलेज को सिलेक्ट करेंगे। ये सभी चीज यहाँ पर फिल करने के बाद सिंपल से आपको सबमिट वाला आइकन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सबमिट पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक कर दे आपकी KYC सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी और यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपके सामने एक रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा, इसको आप नोट करके रख सकते हैं क्योंकि कभी भी इससे आप अपने आयुष्मान कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आप बैक आ जाएंगे और जिस भी कार्ड को आपने अपडेट करने के लिए यहाँ पर अप्रूवल दिया है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ऊपर वाला कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा KYC स्टेटस में वेरीफाई और यहाँ पर कार्ड स्टेटस में लिखा हुआ है पेंडिंग, क्योंकि जब आपका कार्ड यहाँ पर अपडेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक आपका कार्ड पेंडिंग में होगा तब तक आप दोबारा भी KYC के लिए अपडेट नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आयुष्मान कार्ड में घर बैठे कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।